हाय, मैं जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। कहते हैं दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो डिसाइड कर सकता है कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में उस इंसान को ढूंढ लेते हो, उस एंजल को ढूंढ लेते हो और उसे दोस्ती कर लेते हो, तो मानो आपका काम हो गया। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने यही किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कर सकते हैं। बात बहुत ही बड़ी है, लाइफ चेंजिंग है, लेकिन हर बार की तरह जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके लिए मुझे आपको सुनानी पड़ेगी एक कहानी। तो फिर शुरू करते हैं। एक भाई साहब थे, उनके पास 3 गधे थे। भाई साहब का रूटीन था रोज इन गधों के ऊपर सामान बांधना और दूर किसी गांव में जाकर बेचना, शाम होते ही लौटना और रास्ते के अंदर एक नदी आती है, वहां पर पानी वानी पी के थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके फिर वापिस अपने गाँव की तरफ आगे बढ़ना। अब ये उनका रोज का था, लेकिन जब भी वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुकते तो तीनों गधों को रस्सी से बांध लेते ताकि वो कहीं पर भाग ना जाए। और इसके लिए वो रोज याद रख के 3 गधों के लिए 3 रस्सी लेकर आते, लेकिन एक दिन जल्दबाजी में वो 2 ही रस्सी लेके आए, 1 रस्सी घर पर ही भूल गए। अब जब गधों को बांधने का टाइम हुआ, तब उन्हें पता चला कि अरे आज तो मैं 2 ही रस्सी लेके आया हूँ, किसी एक गधे को नहीं बांधूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब प्यास भी लगी है, पानी पीना भी जरूरी है, तो क्या करूँ ये सोच रहे थे। और यही सोचते सोचते उन्होंने बाकी 2 गधों को तो बांध ही दिया, लेकिन जब वो 2 गधों को बांध रहे थे तो तीसरा गधा उनको देख रहा था। फिर उन्होंने तीसरे गधे के पास जाके उसको भी बांधने का सिर्फ नाटक किया। भाई साहब ने सोचा कि मैं भाग के जाऊंगा, भाग के आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब ने नदी की तरफ भागना शुरू किया, नीचे उतरे, पानी पिया, वापिस आए, देखा कि तीनों के तीनों गधे वहीं के वहीं थे। उनको अच्छा लगा ये देख के। बाकी 2 गधों को उन्होंने छोड़ दिया जिनको रस्सी बांधी थी और गांव की तरफ चलना शुरू किया। वो 2 गधे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन एक गधा जिनको बांधा भी नहीं था वो वहीं का वहीं खड़ा था, वो हिल नहीं रहा था। उसके बाद भाई साहब ने गधे को पीछे से बहुत धक्का दिया, लेकिन फिर भी गधा हिल नहीं रहा था। उसके बाद उनकी जो भी लैंग्वेज होती है, हुर पुर सब कर लिया, लेकिन गधा देख रहा था, सुन रहा था, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। भाई बड़े टेंशन में आ गए कि यार इसको क्या हुआ होगा। वो आगे गए और गधे को बहुत जोर से खींचा, फिर भी गधा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उनको याद आया कि मैंने गधे को बांधा नहीं था, लेकिन बांधने का नाटक तो किया था ना। उसके बाद उन्हें गधे को छोड़ने का नाटक करना पड़ा और उसके बाद वो गधा बाकी 2 साथियों के साथ भाग कर चला गया। क्या समझे? क्या उस गधे के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी? नहीं तो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गधा हट्टा कट्टा था, आगे बढ़ने की ताकत बिल्कुल थी उसके पास। क्या उस गधे को किसी ने आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं किया? नहीं तो, मालिक ने धक्का भी दिया, आगे जाके खींचा भी, हुर्र फुर्र भी किया, समझाने की भी कोशिश की, सब कुछ कर लिया, फिर भी गधा नहीं हिला। क्या उस गधे को आगे बढ़ना ही नहीं था? नहीं तो, ये भी गलत है। आगे बिल्कुल बढ़ना था, उसको अपने साथियों के साथ जाना था, अपने मालिक के साथ अपने घर पर जाना था। क्या हालात ऐसे थे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी पॉसिबिलिटीज थी, मौका था, ताकत थी, सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने दिमाग में कुछ रस्सियां बांध के रखी थी, वो भी खुद ही। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कौन सी रस्सी आपने आपके दिमाग में बांध के रखी है, ये सिर्फ आप जानते हो। कोई और आके उस रस्सी को खोल नहीं सकता है, चाहकर भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि ऐसी कोई रस्सी रियलिटी में है ही नहीं। वो तो यहां पर है, आपके अंदर, आपके दिमाग में, जो आपने बांध के रखी है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करके बैठे हो, तो फिर आप कैसे वेट करके बैठे हो कि कोई और आएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और क्या समझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।